हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। इससे पहले मैंने आपका इधर तक सारा डिस्कस कर दिया हुआ है और मैंने आपके जो एक्सरसाइज में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको भी मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बचे हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, लेकिन कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। अगर टाइम मिलेगा तो मैं और भी आपका उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आप ट्राई जरूर करिएगा उनको, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है। इस चैप्टर में आपका थोड़ा सा आपका बचा हुआ है पाइथन फंडामेंटल्स में, चैप्टर नंबर 2 में आपका फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट के कुछ फीचर्स हैं उनको आपको थोड़ा सा देख लेना है। नंबर ऑफ फीचर्स आपके इसमें आपके होते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा रीड करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट हैज ए नंबर ऑफ फीचर्स, इट ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम्स टू स्ट्रिंग। इफ यू आर प्रिंटिंग ए न्यूमेरिक वैल्यू इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट। फॉर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इट फर्स्ट इवैल्यूएट्स देम एंड देन कन्वर्ट्स द रिजल्ट टू स्ट्रिंग बिफोर प्रिंटिंग एज इट डिड नॉट इन एग्जाम्पल स्टेटमेंट 2। जैसे एग्जाम्पल 2 में आपने देखा है ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है आपका थोड़ा सा देख लेते हैं। विद प्रिंट ऑब्जेक्ट और आइटम दैट यू गिव मस्ट बी कन्वर्टेबल टू स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग जो भी आप देते हो तो स्ट्रिंग टाइप में वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। कन्वर्टिंग इट हियर विद एग्जाम्पल्स में डीरेल अवर डिस्कशन। So we have given examples of using print with different types of argument in appendix B. पीछे आपकी बुक में एक appendix B आपका दिया गया है, कुछ और भी उसमें print function के बारे में आपका कुछ additional चीजें दी गई हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब जैसे print function है आपका, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है print, इधर my लिखा हुआ double quotes के अंदर, फिर comma लगा हुआ है separator है, फिर name double quotes के अंदर, comma age, फिर कॉमा, फिर अमित। ठीक है, ये चीज तो मैंने बताई दी है आपकी कि प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर कोई भी चीज आप डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं तो वो सारी चीज आपकी क्या हो जाएगी, एज इट इज आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब इसने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा, माई लिखा ना, ये देखिए प्रिंट होके क्या आ गया, माई। फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग आपने डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है तो आपको क्या सेपरेट करना है उसको कॉमा से, लेकिन ये कॉमा जो आपने लगाया हुआ वो चीज आपकी नहीं आएगी। तो माई, फिर नेम आ गया, एज अमित, ये प्रिंट आपका हो जाएगा। फोर डिफरेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स विद नो स्पेस इन देम आर बीइंग प्रिंटेड, इनके बीच में आपका नहीं, बट द आउटपुट लाइंस हैज ऑटोमेटिकली स्पेसेस इंसर्टेड इन बिटवीन देम बिकॉज डिफॉल्ट सेप करेक्टर इज ए स्पेस। इधर आपने कोई स्पेस वगैरह नहीं दिया, लेकिन जो जब इसका क्या होगा प्रिंट होगा तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में क्या हो जाएगा आपका स्पेस हो जाएगा, क्योंकि एक डिफॉल्ट करेक्टर आपका सेप करेक्टर जो है आपका इस पे आपका होता है, ऑटोमेटिकली वो स्पेस आपका क्या कर देता है, दे देता है। अब इस पे आपका देखिए, मैंने एक सेप आपका करेक्टर एक मैंने आपको बताया हुआ था डिफॉल्ट सेप करेक्टर के बारे में, कि अगर इसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो आप, जो भी आप रखना चाहें। जैसे प्रिंट आपने दिया माई नेम इज अमित, फिर इधर सेप सेपरेट कर रहे हो आप इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर आपको रखना है उसको डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 सेपरेट कर रहे हो तो इस पे क्या होगा आपका, किस तरह से आपका आउटपुट आएगा, पहले माई होगा, फिर उसको आपने इधर सेप आर्गुमेंट आपने यूज किया हुआ है और इक्वल लगा के आपने यूज किया हुआ है डॉट डॉट डॉट, तो मतलब एक बार माई प्रिंट होने के बाद फिर डॉट डॉट आ जाएगा, फिर नेम प्रिंट होने के बाद फिर डॉट डॉट आएगा, इस तरह से आपका क्या होगा वो प्रिंट हो जाएगा। So this time the print is separated the items with given sep character which is triple dot. आपने triple dot का use किया हुआ है single quotes के अंदर, अगर आपको क्या करना है इस तरह से आपको separate करना है, ये आपने जो इसके अंदर चीज पास की है। अगर इस तरह से लिखते हैं, देखो जैसे प्रिंट आपने दिया माई नेम इज अमित, फिर प्रिंट आप दे रहे हैं आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, तो ये आपने क्या हुआ, पहले आपका माई नेम इज अमित आ जाएगा, फिर नीचे आपका आएगा आई एम 16 ईयर ओल्ड। अब नीचे क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन में क्या होता है आपका, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया गया आपने तो बाय डिफॉल्ट आपका जो होगा आपका
कर्सर कहाँ जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा, तो नीचे वाली लाइन से आपका क्या होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो ए प्रिंट स्टेटमेंट अपेंडेड ए न्यू लाइन एट द एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इट प्रिंटेड। जैसे मान लो मैंने बोला हुआ तो बाय डिफॉल्ट इसमें आपका न्यू लाइन ले लेता है, जैसे लिखा हुआ है माय नेम इज अमित, अगर आगे आगे आपने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन ले लेगा। मतलब क्या होगा, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में आप क्या प्रिंट कर रहे हो, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, तो वो आपका 16 ईयर्स ओल्ड आपका आ गया। ठीक है, ये आपका इस तरह से आपका जब आप इंटर करोगे और न्यू लाइन आपने इस पे दिया, पाइथन ऑटोमेटिकली एडेड न्यू लाइन कैरेक्टर इन द एंड ऑफ ए लाइन प्रिंटेड सो दैट द नेक्स्ट प्रिंट prints from the next line। अब इस पे देखिए, द प्रिंट works दिस वे ओनली when यू हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी एंड argument। अगर आपने कोई एंड argument नहीं दिया तब प्रिंट स्टेटमेंट इस तरह से आपको वर्क करेगा, लेकिन अगर आपने एंड argument कोई दिया हुआ है तो देखिए उस तरह से किस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए प्रिंट फंक्शन आपने लिखा माई नेम इज अमित, ये आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, फिर कॉमा, एंड आपने किससे किया हुआ है, एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर एक आपने सिंबल ले लिया हुआ है डॉलर सिंबल, फिर उसके बाद आपने प्रिंट कर रहे हो आई एम 16 ईयर ओल्ड, तो क्या होगा इसका आउटपुट आएगा आपका माई नेम इज अमित, तो आपका ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या हुआ, एंड आपने किसका इसके बाद आपने एंड किससे किया हुआ है, इसको डॉलर से, तो आपने डॉलर आपका आ गया, ये डॉलर आ गया आपका, फिर आपका आई एम 16 ईयर ओल्ड आपकी इसी लाइन में आपका आ जाएगा, आपका नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इधर कुछ भी नहीं लिखा होता आपने एंड इज इक्वल टू डॉलर, तब वो क्या होता बाय डिफॉल्ट वो आपका कर्सर न्यू लाइन में आ जाता, फिर नीचे वाली लाइन से आपका ये वाला चीज प्रिंट होती। सो द एंड आर्गुमेंट डिटरमाइंस द एंड कैरेक्टर दैट विल बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ प्रिंट लाइन। किस तरह से आपको प्रिंट करना है, तो उसी तरह से प्रिंट फंक्शन के कई फीचर्स हैं आपके। अब जैसे इसमें एक कोड दिया गया, ए बी की वैल्यू दी गई, ए बी 20 30, प्रिंट कर रहा है ए इक्वल टू कॉमा ए, एंड इज इक्वल टू आपका स्पेस दिया हुआ है इसने, फिर नीचे प्रिंट लिखा हुआ है बी इक्वल टू फिर बी, इसका आउटपुट आपका देखिए क्या आएगा, ए की वैल्यू ए इक्वल टू आपका ये डबल कोट्स के अंदर आपका है तो एज इट इज आ गया, कॉमा फिर ए, कॉमा नहीं आएगा, ए की वैल्यू क्या 20 20 आ गई, फिर इधर एंड इसने किससे किया हुआ है, इसको स्पेस से, तो स्पेस आपका आ जाएगा बीच में इधर, फिर इधर बी इज इक्वल टू फिर बी की वैल्यू क्या 30 इस तरह से। दिस स्पेस इज बिकॉज ऑफ एंड, ये जो आपने एंड दिया ना, ये बीच में जो स्पेस आ रहा है इसकी वजह से आपका आ रहा है। तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं आपके इसके। इसी तरह से नीचे आपका ये जैसे दिया गया है, नेम एक दे दिया इसने, वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग, तो प्रिंट कर रहा है एंड इसको किया, प्रिंट प्रिंट करा रहा है नेम को, ठीक है, फिर प्रिंट ये वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहा है, तो क्या आउटपुट आएगा, पहले तो आपका आएगा प्रिंट हेलो, फिर एंड उसने इससे किया तो स्पेस आ जाएगा बीच में इधर, फिर आपका नेम, तो नेम में क्या है इंथोजिस्ट, तो इंथोजिस्ट आ गया, फिर इस प्रिंट के बाद देखो उसने कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब इसके बाद आपका कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा, तो न्यू लाइन में आपका न्यू लाइन से आपका ये चीज आपकी क्या होगी प्रिंट होगी। इसको आप देख लीजिए क्या है, इन पाइथन यू कैन ब्रेक एनी स्टेटमेंट बाई पुटिंग ए बैक स्लैश इज द एंड एंड प्रेसिंग एंटर की देन कंप्लीटिंग द स्टेटमेंट इन नेक्स्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग स्टेटमेंट इज परफेक्टली राइट। अब इस पे जैसे मान लीजिए इसने दिखा प्रिंट हेलो, फिर इसने क्या किया हुआ है, बैक स्लैश का यूज किया हुआ है, फिर इधर एंड इज इक्वल टू स्पेस, तो द बैक स्लैश एट द एंड मीन्स दैट द स्टेटमेंट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लाइन। इसको आप करके देखिएगा सिस्टम में अपने या अपने मोबाइल पे। और एक चीज और है स्टूडेंट्स, ये जो साइड में आपके चेक पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, ठीक है, इन सबको भी आप देखते जाइएगा, ठीक है, इनको भी आपको पढ़ना है और इनको भी आपको सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग अगर आपको पाइथन में आपको अच्छा करना है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बोला हुआ है कि बहुत डिमांडिंग लैंग्वेज है आपकी, हर जगह आपका पाइथन आपका यूज हो रहा है, जितने भी आप मोबाइल में एप्स वगैरह देख रहे हो, गेम्स वगैरह आप लोग खेलते हो, सारी चीजें इसी लैंग्वेज का यूज करके आजकल क्या हो रही है बननी है, तो इस लैंग्वेज को आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। तो पढ़ने के लिए आप मतलब कोई भी चीज आप उसको स्किप मत करिएगा कि छोड़िएगा नहीं, ये आपका छोड़ दें,
आप सीरियसली इस लैंग्वेज को आप पढ़िए, क्योंकि कैरियर अगर आपको बनाना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो अच्छी तरह से कोई चीज अगर आप पढ़िए तो फिर उसको अच्छी तरह से पढ़िए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया तो इसको छोड़ दिया यार ये सही नहीं है, ठीक है। तो हर चीज इसको आप पढ़िए, की पॉइंट्स चेक पॉइंट्स वगैरह हैं, और एक्सरसाइज पूरी आपको सॉल्व करना है। ये प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, इस तरह के प्रोग्राम तो मैंने करा दिए, इसको देख लीजिएगा। प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट दिस एरिया, आपको लेंथ और ब्रेथ क्या कराना है इनपुट कराना है, और उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसी तरह से नीचे है आपका, इसे ये प्रोग्राम है आपका, इनको सबको आपको देखना है, और ये लेटेस्ट रिवाइज इनको भी सारे को पढ़ लीजिएगा, और एक्सरसाइज, और जो आपके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप बाकी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। कोई डाउट हो तो उसे मुझे व्हाट्सएप में आप बोलिएगा, उसको भी मैं आपको और करा दूंगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको, नहीं आपके बंदे क्वेश्चंस वाले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लास्ट वाले, ठीक है, तो उनको भी बोलिएगा, तो मैं उसका फिर आपको, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो क्या कर दूंगा, आपको बना दूंगा। और आपके, मैंने एक बार आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए थे बनाने के लिए, कि आप उन प्रोग्राम्स को क्या करिएगा, आप बनाइएगा, तो आपके एक्सरसाइज में है वो प्रोग्राम्स। देखता हूँ मैं आपके किस पेज नंबर पे है, वो शायद लास्ट में है या कहाँ है, तो उन प्रोग्राम्स को आप प्रैक्टिस करिए बनाने की, और जो प्रोग्राम्स अगर आपसे नहीं बन रहे तो मुझे बताइए, तो फिर मैं उसका क्या करूंगा, आपको उसके भी वीडियो में बना दूंगी। ये हाँ, ये आपके प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपके प्रोग्राम है सारे, इनको आप बनाने को ट्राई करिएगा, बनाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा आपका। जैसे ये सिंपल प्रोग्राम से बिल्कुल आपको किस तरह से आपको बनाने हैं ये प्रोग्राम, इनको सबको आपको बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा आपके आज प्रोग्राम्स बनाने के लिए, तो उनको आप ट्राई करिएगा। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 2 इज आल्सो कंप्लीटेड, आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 में भी आपका जो गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन वो था, और जो आपका इससे पहले जब ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही थी उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स था, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा आपका। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।